नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के यात्रियों की मदद के लिए उड़ीसा जाएगी अधिकारियों की टीम। मैट्रिक टॉपर्स को निशुल्क इंजीनियरिंग और मेडिकल की कोचिंग कराने को लेकर आवेदन प्रकाशित। ऑपरेशन प्रहार के तहत 45,000 से ज्यादा आरोपी गए जेल। श्रावणी मेला को लेकर तैयारियां जोरों पर। ऋतुराज गायकवाड़ ने उत्कर्षा पवार के साथ लिए 7 फेरे। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के यात्रियों की मदद के लिए उड़ीसा जाएगी अधिकारियों की टीम। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर यह जानकारी दी गई है कि उड़ीसा के बालासोर में हुए रेल हादसे में बिहारियों की मदद करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा टीम भेजी जाएगी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि उड़ीसा के बालासोर में बहनागा रेलवे स्टेशन के पास हुई भीषण ट्रेन दुर्घटना में बिहार के यात्रियों को आवश्यक मदद पहुंचाने हेतु बिहार के अधिकारियों की एक टीम भेजी जा रही है, जो उड़ीसा सरकार, रेलवे तथा बालासोर जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करेगी। इसके लिए वरीय अधिकारियों की 4 सदस्यीय टीम गठित की गई है। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा इसका अनुश्रवण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा इसे हादसे से संबंधित आवश्यक सूचना एकत्रित करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 0612-229420, 0612-229405 तथा 7070290170 जारी किया गया है। मैट्रिक टॉपर्स को निशुल्क इंजीनियरिंग और मेडिकल की कोचिंग कराने को लेकर आवेदन प्रकाशित। बिहार बोर्ड की ओर से ऐसा निर्णय लिया गया था कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के मैट्रिक परीक्षा 2023 में टॉपर छात्र छात्राओं को आगामी सत्र से निशुल्क इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी बोर्ड की ओर से करवाई जाएगी। बता दें कि अब इसको लेकर आवेदन भी प्रकाशित कर दिया, जिसके अनुसार वैसे छात्र छात्राओं जिन्होंने न्यूनतम 90% अंक प्राप्त किया है, वह अपनी रुचि के अनुसार इंजीनियरिंग या मेडिकल के निःशुल्क कोचिंग में अपना नामांकन कराने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ऑफिशियल वेबसाइट www.secondary.biharboardonline.gov या www.biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आवेदन कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के तहत 100 छात्रा और 100 छात्राओं का चयन किया जाएगा, जिसमें 50-50 की संख्या में इंजीनियरिंग और मेडिकल के निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही इस योजना के तहत छात्र छात्राओं को हॉस्टल में बेड के साथ टेबल कुर्सी, बुक सेल्फ, ताला चाबी युक्त एक अलमारी की व्यवस्था, सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और सायकालीन अल्पाहार और रात्रि के भोजन व्यवस्था, तैयारी के लिए सभी प्रकार का स्टडी मटेरियल भी निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। मालूम हो कि इस योजना के लिए 8 सदस्यीय एडवाइजरी कमेटी का भी गठन किया गया है, जो यह तय करेगी कि बच्चों के लिए शिक्षक हायर करने के साथ साथ उनका चार्जेस क्या होगा। श्रावणी मेला को लेकर तैयारियां जोरों पर। बिहार के सुल्तानगंज में होने वाले श्रावणी मेले को लेकर बीते दिन शनिवार को नगर परिषद के सभागार में सदर एसडीओ धनंजय कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बता दें कि इस बैठक में श्रावणी मेले से संबंधित तैयारियों पर निर्देश व सुझाव दिया गया। मालूम हो कि मेले में कांवड़ियों को बेहतर सुविधा मिल सके, इसके लिए रोड मैप भी तैयार कर लिया गया है। वहीं सदर एसडीओ के द्वारा सभी विभाग के अधिकारियों को मेला शुरू होने के 1 सप्ताह पहले ही सभी कार्य को पूरा करने का हेड डेडलाइन तय कर दिया गया है। सांसद प्रतिनिधि पवन किसान के द्वारा कहा गया है कि मेले के दौरान जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है, ऐसे में कॉरिडोर बनाकर गंगा घाट से कच्चा पथ तक कांवड़िए को पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए, जिसकी जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस की होगी। वहीं 2 दिनों के अंदर जर्जर तार व पोल बदलने का भी निर्देश दिया गया है, ताकि विद्युत आपूर्ति बाधित न हो और उससे लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। मालूम हो कि सदर एसडीओ के द्वारा कहा गया है कि इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम में अंगिका के कलाकारों को आमंत्रित किया जाएगा। गंगा घाट से रेलवे ओवरब्रिज कच्चा कांवड़िया पथ तक सड़क पर कालीन बिछाने व बेहतर पार्किंग सुविधा को भी मांग की गई है। बता दें इस बार गंगा घाट पर सुरक्षा का इंतजाम 3 लेयर में किया जाएगा। बिहार से अब गोल्डन टेंपल का सफर होगा आसान। वैसे लोग जो बिहार से अमृतसर जाना चाहते हैं या जाने वाले हैं या जाने की इच्छा रखते हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। बता दें कि भारतीय रेलवे की ओर से बिहार से अमृतसर जाने के लिए एक स्पेशल ट्रेन के परिचालन का फैसला लिया गया है, जो अमृतसर कटिहार वाया दिल्ली चलाया जाएगा। बता दें कि इसके साथ ही अमृतसर समस्तीपुर अमृतसर के बीच भी एक स्पेशल ट्रेन के परिचालन की शुरुआत की जाएगी। मालूम हो कि आज ट्रेन दोनों दिशाओं में वाया ब्यास, जालंधर सिटी, लुधियाना, अंबाला, कैंट, मुरादाबाद, सीतापुर, गोंडा बस्ती, गोरखपुर, छपरा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर चलेगी। इसके अलावा रेलवे ने उज्जैनी एक्सप्रेस को लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन तक विस्तार दे दिया है। मालूम हो कि भारतीय रेलवे की ओर से यह निर्णय यात्रियों की भीड़ को देखते हुए लिया गया है। वहीं अमृतसर से कटिहार के लिए जो स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी वह ट्रेन संख्या 05433 है, जो कि प्रत्येक सोमवार को 3 जुलाई तक चलेगी। वहीं वापसी दिशा में कटिहार से यह ट्रेन 1 जुलाई तक प्रत्येक रविवार को चलेगी। इस दौरान यह ट्रेन लुधियाना, अम्बाला, दिल्ली, अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ और गोरखपुर स्टेशन पर ठहरेगी। इसके अलावा रेलवे ने 05723 या 05274 समस्तीपुर अमृतसर समस्तीपुर स्पेशल 6 से 27 जून तक प्रत्येक मंगलवार को चलाने का निर्णय लिया है।
ऑपरेशन प्रहार के तहत 45,000 से ज्यादा आरोपी गए जेल। ऑपरेशन प्रहार के तहत वज्र कंपनियों की ओर से वर्ष 2023 के पहले 5 महीने यानी कि जनवरी से मई तक में कुल 45,394 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जो हत्या, पुलिस पर हमला, हत्या के प्रयास जैसे संगीन मामलों के अपराधी है। बता दें कि आंकड़ा पिछले साल यानी 2022 में वज्र टीम द्वारा अवधि में की गई 26,826 गिरफ्तारी की तुलना में 69% अधिक है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वर्ष 2023 के पहले 5 महीने में 1,172 अग्नियास्त्र और 5,742 कारतूस भी बरामद किए गए। मालूम हो कि बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ऐसे मामलों के आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए सभी जिलों में वज्र की 92 कंपनियां गठित की गई हैं। बिहार के 50% सरकारी स्कूलों में बनेंगे स्मार्ट क्लास। केंद्र सरकार की ओर से सहमति मिलने के बाद बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा एक कार्य योजना तैयार की गई है जिसके तहत अगले 2 सालों में राज्य के 50% से ज्यादा सरकारी विद्यालयों में स्मार्ट क्लास बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में राज्य में कुल 71,863 प्रारंभिक विद्यालय हैं जबकि 9,360 माध्यमिक विद्यालय हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग के द्वारा तय किए गए लक्ष्य के अनुसार अगले 2 सालों में राज्य के 28,661 मध्य विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे। मालूम हो कि वर्तमान में केवल 2,274 मध्य विद्यालयों में ही स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। बता दें कि सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके इसके लिए मौजूदा वित्त वर्ष में केंद्र सरकार की ओर से 15 करोड़ के प्रस्ताव पर सहमति दी गई है। बक्सर में 6 जून को लगेगा रोजगार मेला। अगर आप भी बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश में हैं तो यह खबर आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। बता दें कि बिहार के बक्सर में 6 जून को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बक्सर के परिसर में स्थित संयुक्त श्रम भवन में बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के तत्वावधान तथा जिला नियोजनालय के सहयोग से एक दिवसीय रोजगार शिविर का आयोजन किया जा रहा है जिसमें टाटा मोटर्स, पैडेट टेक्नोलॉजीज, फ्लिपकार्ट सहित कई बड़ी कंपनियां शामिल होने वाली हैं। बता दें कि इस रोजगार मेले में भाग लेने के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम 10वीं पास होना अनिवार्य है तो वहीं 12वीं पास, ग्रेजुएशन, ITI एवं डिप्लोमा पास युवक भी इसमें शामिल हो सकते हैं। जिला नियोजन पदाधिकारी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार रोजगार मेले में किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लगेगा और इस मेले में कंपनियों के द्वारा कुल 50 रिक्तियां दर्शाई गई हैं। वहीं इसमें शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अपने सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र के साथ सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक पहुंचना होगा। राजधानी की कृतिका का इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम। बिहार की राजधानी पटना की कृतिका मुखर्जी का नाम उनकी कलाकृति के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कर दिया गया है। बता दें कि कृतिका मुखर्जी के नाम को उनकी कलाकृति मंडला आर्ट के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने अपने लेटेस्ट एडिशन में शामिल कर लिया है। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि कृतिका ने कभी पेंटिंग या आर्ट में किसी भी प्रकार की कभी ट्रेनिंग नहीं ली। मालूम हो कि अपने इस मंडला आर्ट को कृतिका के द्वारा 22 घंटे में 72 इंच के कार्डबोर्ड पर तैयार किया गया है। बता दें कि अपने इस पेंटिंग पर कृतिका का कहना है कि आज के समय में उनकी यह पेंटिंग पटना के ऊर्जा स्टेडियम में लगाया गया है और यह उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उनके कृति को बिहार सरकार ने स्थान दिया है और अब उनका टारगेट एशिया बुक से होते हुए गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराने का है। बिहार बीजेपी ने लोकसभा प्रभारियों की जारी की सूची। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा पत्र जारी करते हुए 40 नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए लोकसभा प्रभारियों की सूची जारी कर दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जारी की गई सूची में जिन लोगों को भाजपा संगठन लोकसभा का प्रभारी बनाया गया है उनमें रंजन गौतम, तरुण कुमार, राम कुमार झा, अमरिंदन कुमार, कुमार प्रणय, नागेंद्र नारायण ठाकुर, विकास सिंह, रत्नेश कुमार सिंह, ब्रजराज श्रीवास्तव, हरेंद्र सिंह, संजय पांडे, संजीत अग्रवाल, विवेक कुमार, हरीश सहनी, अरविंद कुमार सिंह, अशोक सहनी, जगन्नाथ ठाकुर, संजय मेहता, विनोद सिंह, विजय शंकर चौधरी, रामानंद चौधरी, कुमार राघवेंद्र, लाल मोहन गुप्ता, रविंद्र सिंह कल्लू समेत कई 40 लोगों के नाम शामिल हैं। रेल। ओडिशा रेल हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंपी गई। बीते शुक्रवार की शाम को ओडिशा के बालासोर में हुए भयावह रेल हादसे की हर संभावित पहलुओं पर जांच की जा रही है। बता दें कि अब तक जांचकर्ता अधिकारियों के द्वारा हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुर्घटना स्थल का दौरा किया और मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ साथ आपदा प्रबंधन दलों के अधिकारियों से जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने घायलों से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने कहा कि अपने दर्द बयां करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। रेल हादसे के लिए दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि इस मामले की जांच को लेकर भारतीय रेलवे के एक प्रवक्ता के द्वारा कहा गया कि दक्षिण पूर्व क्षेत्र के रेलवे सुरक्षा आयुक्त AM चौधरी के द्वारा हादसे की जांच की जाएगी। ना अभी तक किसी भी अधिकारी ने हादसे में साजिश की आशंका जाहिर नहीं की है। बता दें कि भारतीय रेल के प्रवक्ता अमिताभ शर्मा ने कहा कि बचाव अभियान पूरा हो गया है, अब मार्ग को सुचारू करने का कार्य शुरू किया गया है।
बालासोर रेल हादसे पर आनंद मोहन का बयान। पूर्व सांसद आनंद मोहन इन दिनों राजनीति में एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। बता दें कि इस बार उन्होंने उड़ीसा के बालासोर में हुए बड़े रेल हादसे पर अपना बयान दिया है। उन्होंने इस हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि यह देश का सबसे बड़ा हादसा है जिसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, लेकिन इससे पहले रेल मंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस रेल हादसे में न कि 280 लोग बल्कि 2800 लोगों की जान गई है, क्योंकि अभी आंकड़े आने बाकी है और जो कुछ भी हुआ है वह विभागीय लापरवाही है, लेकिन इतने बड़े हादसे की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली है। उन्होंने कहा कि जब लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री थे तब एक छोटी सी घटना पर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक ऐसे ही बालासोर हादसे की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। बिहार में शराबबंदी पर सुशील मोदी का बयान। बिहार में आए दिन शराबबंदी को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा चलती रहती है। बता दें कि एक बार फिर से बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी के द्वारा शराबबंदी को लेकर अपना बयान देते हुए कहा गया कि वह हमेशा से शराबबंदी के पक्ष में रहे हैं, लेकिन पिछले 6 सालों में कानून के बार बार बदलाव करते हुए इसे दलित आदिवासी पिछड़ा विरोधी बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में गरीब आदमी पकड़े जाते हैं तो जुर्माने की रकम नहीं देने के कारण उन्हें जेल जाना पड़ता है, वहीं जब इस मामले में अमीर आदमी पकड़े जाते हैं तो वह जुर्माने की राशि कर छूट जाते हैं और वह शराब की होम डिलीवरी करा लेते हैं। बिहार सरकार की ओर से भाजपा के द्वारा दिए गए दबाव के बाद जहरीली शराब से मरने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजे के रूप में 4 लाख रुपए देने का फैसला तो ले लिया गया, लेकिन नियमावली ऐसी बनाई गई कि अनुग्रह राशि मिलना कठिन हो गया। उन्होंने कहा कि अब तक राज्य में जहरीली शराब पीने से 500 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, तो सरकार को यह बताना चाहिए कि उन्होंने अब तक कितने लोगों को 4 लाख रुपए का मुआवजा दे दिया है। वह बताएं कि जहरीली शराब के 50 से ज्यादा मामले में अभी तक एक भी व्यक्ति को सजा क्यों नहीं मिली है। सुशील मोदी ने कहा कि बिहार में भी गुजरात की तरह परमिट व्यवस्था लागू होनी चाहिए ताकि बीमार लोगों को मेडिकल ग्राउंड पर और पर्यटकों के लिए सीमित मात्रा में शराब की आपूर्ति हो सके। सीपीआईएम ने अपने ही महागठबंधन सरकार पर किया हमला। बीते दिन माकपा पोलित ब्यूरो सदस्य पूर्व सांसद सुभाषनी अली के द्वारा बिहार की राजधानी पटना में पार्टी कार्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में रामनवमी में बिहार शरीफ में हुए हिंसा को लेकर अपना बयान देते हुए कहा कि बिहार में रामनवमी के दौरान हुए हिंसा के अब तक लगभग 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हिंसा से पीड़ित लोगों को अब तक बिहार सरकार की ओर से मुआवजे के रूप में कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अब तक सरकार के कोई मंत्री या सत्ताधारी दल के नेता वहां नहीं गए हैं। उन्होंने कहा कि वह सरकार से मिलकर प्रभावित परिवारों के मुआवजे की मांग करेंगे और लापरवाह अधिकारियों पर इस मामले में कार्यवाही करवाने की कोशिश करेंगे। ऋतुराज गायकवाड़ ने उत्कर्षा पवार के साथ लिए 7 फेरे। इन दिनों शादी का मौसम चल रहा है और हमें हर तरफ कई शादियां भी देखने को मिल रही हैं। ऐसे में अब चेन्नई सुपर किंग्स के एक खिलाड़ी ने भी अपनी शादी रचा ली है। बता दें कि हम बात कर रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़ की, जिन्होंने बीते दिन यानी कि 3 जून को उत्कर्षा पवार के साथ परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में 7 फेरे ले लिए हैं। बता दें कि अब उनकी शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। वहीं इस तस्वीर को देख के उनके फैंस उन्हें बधाई और शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। मालूम हो कि बीते दिन हुए शादी में कई क्रिकेटर भी शामिल हुए, जिसमें चेन्नई के धाकर बल्लेबाज शिवम दुबे एवं अपनी पत्नी के साथ नजर आए। आपको जानकारी के लिए बता दें कि ऋतुराज गायकवाड़ को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए भारत टीम में स्टैंड बाई खिलाड़ी के रूप में चयन किए गए थे, लेकिन उन्होंने शादी की वजह से अपना नाम वापस ले लिया था। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी रविवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.24 रुपये और डीजल 94.04 रुपये प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 108.05 रुपये और डीजल 94.77 रुपये प्रति लीटर में मिल रहा है। भागलपुर में पेट्रोल कीमत 107.98 रुपये और डीजल कीमत 94.71 रुपये प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल कीमत 108.31 रुपये और डीजल कीमत 95.04 रुपये प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहाँ पेट्रोल 109.60 रुपये प्रति लीटर और डीजल 96.23 रुपये प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है उमेश सिद्धिदेव, कन्हैया कुमार, कुमारी संजना, घनश्याम, नौशद अंसारी, मोहम्मद सकीर हुसैन, मोहम्मद अफजल मंसूरी, प्रमोद राम, शंकर मुखिया, मृत्युंजय कुमार, रविशंकर, मुट्टू रंगीला, राजकिशोर महतो, इंद्र देवेंद्र देवी अहमद। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, राज्य में शराबबंदी को सख्ती से लागू किया जा सके इसके लिए सरकार को आपके अनुसार क्या कुछ नए कदम उठाने चाहिए। अपने जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देखें चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।